कि आप जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसलिए दबाएं क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आप सभी के लिए और एक वीडियो लेकर मैं हाजिर आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जिक्र के हवाले से, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। बताना चाहूँगा कि लोग जो मुझे कमेंट करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक है क्या, वो मुझसे बैकग्राउंड म्यूजिक पूछते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता है बैकग्राउंड म्यूजिक के हवाले से, लेकिन मुझे बाद में समझ में आता है कि वो जिक्र की बात कर रहे हैं वो या वो नशीद की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं समझा दूँ अच्छे तरीके से कि जिक्र होता क्या है, जिक्र बनता कैसे है और जिक्र कहते किसे है। जैसा कि हमने एक अंतरा रिकॉर्ड किया, अब उस अंतरे के ऊपर हमें जिक्र बिठाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ, जैसे कि हमें एक नात रिकॉर्ड करनी है। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, ये एक नात है, ठीक है। हमने एक इसका अंतरा रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें जिक्र बनाना है। अब जिक्र किस तरीके से बनाना है, तो ये हम पहले अंतरा सुनेंगे, उसके ऊपर हमें देखना है कि इसके ऊपर जिक्र किस तरीके से बैठेगा। जैसे कि इस पर बैठेगा हाल दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाओ, तो उस पर ना जितने भी जैसे कि बीट होती है ये 1 2 3, तो अब 1 2 3 वाली बीट जितनी भी होंगी इसके ऊपर, मतलब जैसा कि आप 1 2 3 बीट पर आप जो कलाम बिठा सको, जो चीज़ें बिठा सको, जैसे कि सल्लल्ला 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 सल्लल्ला, तो ये कंटिन्यू सल्लल्ला चल रहा है, उसके ऊपर आपको फिर रिकॉर्ड करना है। हाले दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए, इस तरीके से जिक्र बनता है, ठीक है। ये जिक्र बनता है, उसके ऊपर नात रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतरा रिकॉर्ड करना है, उस अंतरे के ऊपर हमें जिक्र बनाना है, हमें उसके ऊपर नात को रिकॉर्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक जिक्र बना हुआ है, ठीक है। उस जिक्र के ऊपर हमें नात रिकॉर्ड करनी है। आप देखिए नात रिकॉर्ड जिस तरीके से होती है, जैसे कि मैं आपको भी, मेरे पास अभी जिक्र 13 मिनट का जो जिक्र है जिसमें सिर्फ है ना आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं जिक्र ये ठीक है, नबी 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 नबी, ये इस तरीके का जिक्र है। ये 13 मिनट तक सिर्फ ये चलेगा, नबी 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 नबी, इसके ऊपर आपको नात रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी ये जिक्र है, बैकग्राउंड जिक्र है। अगर आप जिक्र परचेस करना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस में मैं सेल भी करता हूँ इंशाल्लाह, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हो। मेरा जो नंबर होता है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है। और ये जिक्र को आप परचेस कर सकते हो। ये मेरे पास बहुत सारे जिक्र है, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको जिक्र भी सुना दूंगा। आपको अब रिकॉर्ड नात रिकॉर्ड किस तरीके से करनी है, तो नात रिकॉर्ड आपको इस तरीके से करनी है, जैसा कि मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये एक बैकग्राउंड में जिक्र चालू है, ठीक है, नबी नबी जिक्र चालू है। अभी आपको ना बैकग्राउंड जिक्र की आपको बीट पकड़नी है, ठीक है। जैसे कि आप हेडफोन पहने हुए हो अब स्टूडियो में अगर रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये आपके हेडफोन में सुनाई देगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको जोर से सुनाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्पीकर में बजा रहा हूँ, तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके हेडफोन में सुनाई देगा। तो आपको रिकॉर्ड किस तरीके से करना, आपको उसकी बीट पकड़नी, ठीक है। हाले दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए। इस तरीके से मैं कलाम में प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं ऐसे आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ और अच्छी तरीके से मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ इसे, जोर से ज़्यादा जोर से नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा इसमें सुनते समय आपको थोड़ा सा आउट लगता है ये चीज़।
तो आपको सिर्फ समझाना मकसद देता है कि खाली ये देखिए अभी इस तरीके से मेरे पास ये एक बीट है और इसके ऊपर मुझे कलाम इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इसे कहते हैं बैकग्राउंड जिक्र, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड जिक्र पीछे चलता रहेगा और आपको उसके ऊपर कलाम को रिकॉर्ड करना है, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बैकग्राउंड जिक्र बाद में रिकॉर्ड होता है, पहले आपका कलाम रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि मैं कलाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी कश्ती पार लगा देना ए मौलाली ए शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, ठीक है। मैं पूरा कलाम रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसके बाद है ना, या अली या अली या अली या अली या अली, इस तरीके से ना आपको पूरा एंड तक वो आपको हेडफोन में सुनना भी आपका कलाम और उसके साथ साथ आपको जिक्र रिकॉर्ड करना है। क्यों इस तरीके से करना है आपको, आप सोचोगे कि आप मैं सिर्फ या अली पढ़ के से कॉपीराइट पे मतलब कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ उसे आगे तक, तो फिर मैं क्यों उस पूरे कलाम को रिकॉर्ड करूँ। तो देखिए कुछ जगह पे होता है इस तरीके से कि कुछ जगह पे आप फास्ट पढ़ते हो, कुछ जगह पे आप स्लो पढ़ते हो। जैसे कि आपका एक एक कलाम है पूरा, पूरे कलाम के अंदर आप पूरे ट्रैक के ऊपर कुछ जगह पे आपने फास्ट पढ़ा है, कुछ जगह पे आपने स्लो पढ़ा है। तो जब आप ये या अली जब रिकॉर्ड करोगे तो कुछ जगह पर अगर आप एक ही आपकी स्केल होंगी तो एक ही अगर आपकी स्पीड होंगी तो वो स्पीड जो है स्लो पर अलग हो जाएंगी, फास्ट पर फिर वो मैच कर जाएंगी, फिर स्लो पर अलग हो जाएंगी, फिर फास्ट पर मैच कर जाएंगी। तो उससे बेटर ये है कि आप जहाँ पर स्लो होता है तो वहाँ पर या अली, फिर ज्यादा फास्ट होता है या अली, इस तरीके से मतलब पकड़ के आप उसको पढ़ सकते हो। तो मेरा तरीका होता है बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब बैकग्राउंड जिक्र का। और जैसा कि लोग पूछते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, बड़े ही लोग कंफ्यूज इस चीज के बारे में कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं खुद कंफ्यूज उस चीज के बारे में कि लोग मुझसे बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों मांगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता क्या है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि नशीद, जिसे हम नशीस्त कहते हैं और एक होता है नशीद, ठीक है, दो लफ्ज होते हैं उसके लिए यूज कर किया जाता है। तो जो बैकग्राउंड नशीद जो आप सुनते हैं कि तो ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है कि रेडीमेड होती है बैकग्राउंड नशीद, आपको मैं सुना देता हूँ एक मिनट, इसे कहते हैं बैकग्राउंड नशीद। तो इस तरीके से इसे कहते हैं बैकग्राउंड नशीद। बड़े ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक जी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बैकग्राउंड नशीद है, ये इस तरीके से बैकग्राउंड नशीद होती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जिक्र की थी तो मैं आपको जिक्र पर ही लेके चलूँ। बैकग्राउंड जिक्र जैसे कहते हैं, अगर आपको परचेस करना है तो मेरे पास बहुत सारे जिक्र अवेलेबल है, आप मुझसे कम प्राइस में परचेस कर सकते हो और आप अपने नात को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप मुझसे जिक्र परचेस करते हो तो आप उस जिक्र को मिक्सिंग करो, ठीक है। जब कलाम आप रिकॉर्ड कर लो तो उसे इस कलाम के साथ मिक्सिंग कर दो, उस जिक्र के अंदर भी आपको थोड़े से इफेक्ट्स लगाने होंगे, ठीक है, ताकि अगर आप दूसरे बार आप उसे अगर यूज़ करो या कोई दूसरा शख्स उसे यूज़ करो तो आप दोनों का कॉपीराइट ना हो, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसा कि मैं भी जो जिक्र है यूज़ करता हूँ कलाम, वो मेरा भी कॉपीराइट नहीं आता है, तो क्योंकि आपको उसके अंदर थोड़े से इफेक्ट्स लगाने होंगे खाली, थोड़ा आपको इफेक्ट लगा के आप जब मिक्सिंग करते हो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा खाली। बाकी आप मुझसे अगर जिक्र परचेस करना चाहते हो तो बड़े कम प्राइस में मुझसे जिक्र परचेस कर सकते हो। मैं आपको थोड़े से जिक्र सुना देता हूँ किस तरीके से जिक्र होते हैं और क्या होते हैं और कलाम किस तरीके से बिठाए जाते हैं जिक्र के ऊपर। ये मतलब एक कंप्लीट जिक्र है, ठीक है, इसके ऊपर से आपको खाली नात पढ़ना है, नात पढ़ने के बाद आपको सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग करना है, ओके। और एक जिक्र होता है इस तरीके से, अभी इसके ऊपर भी ये सारे जिक्र है, इसके ऊपर आपको कलाम पढ़ना है, ठीक है। ये सारे जिक्र के ऊपर आप कलाम पढ़ सकते हो, कलाम रिकॉर्ड कर सकते हो अपने अपने,
रेडीमेड जिक्र है बड़ी कम प्राइस में, आप मुझसे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर कॉल कर सकते हो। और सर जो चीज़ें नहीं समझी है, अब मुझे मैंने आपको आप कहोगे कि मुझे जिक्र बनाना सीखना है कि जिक्र बनाते किस तरीके से है एफ एल स्टूडियो पर या फिर दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर पर, तो वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। इसलिए बाद में सिखाऊंगा कि जो मैंने पहले सिखाया हूँ जो लोग नए हैं वो पहले जाके वो सीखे, और जो लोग मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको जिक्र सिखा जाएगा, क्योंकि अभी थोड़े से कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, तो पहले मैं वो कवर कर लूँ, फिर उसके बाद आपको जिक्र बनाना भी सिखा जाएगा। जिस तरीके से आपको कोरस बताया गया है, कोरस एक बेसिक लेवल पर आपको कोरस बताया गया है, बेसिक लेवल लाइक जब आप उस कोरस के अंदर आपको इफेक्ट्स थोड़े से लगाने होते हैं, आपको सारे इफेक्ट्स लगा के बताए नहीं गए, आपको कोरस बनाने का तरीका बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको कोरस बनाना है, तो आपको कोरस का वीडियो देखें और अपने तरीके से आप प्रोसेस के अंदर चेंजेस करें। अब देखें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑडियो और वीडियो जो दो चीज़ होती है ये क्रिएटिव होती है, हर इंसान को अपने अपने अंदर मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी ला के इसे चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दें। और जो लोग मेरे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं, फिर से गुजारिश करूँगा उनसे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।